सो हेलो फैमिली, सो यार इट्स डे टू इन धर्मशाला और आज मैं निकाल रहा हूँ अपनी बाइक इस प्यारे रास्ते से। ये वो जगह है, वो स्मॉल टाइप कॉटेज जहाँ पे मैंने स्टे लिया था। अब यहाँ से मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ मोमोज़ वगैरह लेने। अब मेरे को लगती है मैं जब भी पहाड़ों पे आता हूँ ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन मैंने मोमोज़ ना खाए हों। और अब यहाँ पे मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया होगा कि ये स्टे बहुत ज़्यादा नीचे आ गया था और इसके 5 से 6 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी फूड स्पॉट नहीं था। तो अब लोकेशन तो अच्छी ढूंढ ली पर अब मोमोज़ भी ना। मैंने कहा मैं रहना नहीं है अपना, तो मैं एनी हाउ मैंने अपने ऊपर एक चीज़ कर लिया कि यार अब तो मैं लेकर रहूँगा। तो अब मैं निकल चुका हूँ यहाँ से और मैप की भी नीड नहीं है, बस थोड़ा सा देखो ऊपर जाते टाइम धर्मशाला के रास्ते में डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे। और रास्ता देखो आसपास, यहाँ पे धर्मशाला किस तरफ है? ऊपर पड़ेगा नीचे से पड़ेगा? भाई साहब एक काम करो, सीधे जाओ, हाँ लेफ्ट से ऊपर वाला, हाँ ओके बाबू। एंड इस ज़िंदगी का आई थिंक सो मेरा पहली बार ऐसा होगा कि मुझे किसी से रास्ता पूछना पड़ रहा है, वो भी धर्मशाला का। द रीज़न ये है कि इतनी बार आ चुका हूँ बट मैं आउटर एरिया से आता हूँ, पहली बार आज मैं धर्मशाला से नीचे जो छोटे छोटे गांव हैं उनमें स्टे किया था मैंने। और ये जो कॉटेज था ये उधर ही है रास्ता है। और आप रोड देखो प्रॉपर खाली है, कोई नहीं है। हाँ डेफिनेटली जानवर तो मिल सकते हैं, इसलिए बाइक लेके निकला था, अदरवाइज़ मन पैदल था बट मुझे पता मैं इतना चल नहीं पाना था। और ऊपर का रास्ता ये जा रहा था वो नीचे को जा रहा था, तो इसलिए इधर टर्न कर लिया। अब यहाँ पे किससे पूछ लेते हैं अगर कोई मिलता है तो। टिल देन चलते रहते हैं जब तक धर्मशाला नहीं आता या जब तक कोई मोमोज़ वाला नहीं दिखता। और ये रास्तों पर बाइक चलाने का मज़ा ही अलग है, दोपहर के टाइम पर इतना मज़ा नहीं है बट फिर भी आपको शाम के टाइम पर थोड़ा सा रेस्ट मिल सकता है यहाँ पर। जी धर्मशाला कहाँ पर होगा? जी धर्मशाला तो आगे जाओ आप इसी रोड पे ऊपर ना, हाँ ऊपर से फिर आगे से राइट। शुक्रिया। और जब भी कभी आप ऐसी जगहों पे आओ ना, आप लोगों से पूछ लिया करो, बिकॉज ना उस ऐसी जगहों पे ना साइंस बोर्ड्स होते हैं आपको ही पता नहीं दिखते। और अब मैं फिर भी चली जा रहा हूँ, अब देख लो एक बेवकूफपंथी बोल दो या इसको शौक बोल दो, इतनी दूर आके और ऐसी जगह पे एक मोमोज़ ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ रहा है। और रास्ता बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस टाइम पर, ठंडी ठंडी हवा सी लग रही है हल्की सी। और मैं निकल गया हूँ शॉर्ट्स और उसमें टी शर्ट में निकल चुका हूँ। और रास्ता तो मुझे हमेशा पसंद ही आता है बाइक चलाने का पहाड़ों पर, और बिल्कुल खाली मिल जाएगा आपको। रीज़न ये है कि लोग बहुत कम आते हैं, ये बात जो मैंने अभी तक फेस की है कि लोग थोड़ा सा ना टूरिस्ट वाली जगह पे ज़्यादा पहुंचते हैं। ये वाला इलाका थोड़ा ना शहरी, ना शहरी में आता है ना टूरिस्ट इलाके में आता है, यहाँ पे सिर्फ लोग रहते हैं। और बादल चेक करो कितने प्यारे आ रहे हैं, और आसपास के घर छोटे छोटे मतलब मज़ेदार है। जिन लोगों को सीरियसली हेवन पीस सब कुछ चाहिए कि शोर शराबे से दूर, उन लोगों के लिए ये जगह बिल्कुल बेस्ट है। और पर मुझे तो ये सारी जगहें सिर्फ एक दिन के लिए सही लगती हैं, इसलिए मैंने एक दिन का ही स्टे लिया। और रोड्स पे आराम से चलाइए, कुछ नहीं पता कब ज़्यादा खड्डे आ जाएँ, बिकॉज़ ये कंस्ट्रक्शन रोड बहुत कम होती हैं यहाँ पर। और बाकी अभी तक तो रोड साफ़ मिल रहा है, आगे का पता नहीं। और धर्मशाला के दो रास्ते जाते हैं, एक दूसरा साइड है जो अभी न्यू बन रहा है, वो शायद मैं बाद में दिखाऊँगा, ये जो पहले से ही बना हुआ है उस रास्ते से जा रहे हैं। और बाकी बात ऐसी है पहाड़ों पे ना, अगर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है मेंटली जो भी कह लो आप लोग, मतलब ना उसके लिए बेस्ट है यार। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है यहाँ पे आके, अप्रॉक्स आई नो कि चलो स्ट्रेस कम तो नहीं होता बट यहाँ पे आके ना एक दो दिन के लिए ना पोस्टपोन ज़रूर रहता है। तो जिन लोगों को चीज़ें पोस्टपोन करनी है वो यहाँ पर आ सकता है। और ये होता है मेन रोड, आप चेक करो कितना घटिया बना रखा है, बट लेकिन चीज़ें वही हैं कि अपने अकॉर्डिंग आप चलो, अपने कन्विंस लेके चलो, आपको पता है अपने किस से आप कंफर्टेबल हैं। तो मैं हर बार 2 व्हीलर से होता हूँ, आने वाले टाइम में 4 व्हीलर पे कन्वर्ट हो जाऊँगा, बट फिलहाल अपनी धनो ही बेस्ट है। रास्ते ख़राब होंगे तो सोच समझ के ही अपने अकॉर्डिंग आप ढंग से चलाया करें। अच्छा यहाँ पे स्ट्रीट फूड मिलता है कहीं? हाँ अंकल ये कर लो आप, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मिलेंगे और एज अ टूरिस्ट तो हमें फेस भी करना पड़ता है। और बाकी मतलब वेदर बहुत अच्छा लग रहा है, आपको शायद कैमरे में भी अच्छा लग रहा होगा, मुझे रियल में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अब यहाँ पे 2-4 जगहों से पूछने के बाद पता चला कि यहाँ पे तो मिलते नहीं मोमोज़, बट मैंने कहा नहीं लेके तो जाने हैं, तो अब मैं थोड़ा और ऊपर जा रहा हूँ। और अब यहाँ से पता चला धर्मशाला एक्चुअली मेरी लोकेशन से था 15 किलोमीटर दूर, बट मैंने कहा इतना जाएगा कौन। तो फिर अब मैं 6 किलोमीटर तक तो आ चुका हूँ, अब चेक करता हूँ रास्ते में कहीं मिलते हैं तो, अदरवाइज़ वापस तो नहीं जाने वाला, लेके ज़रूर जाऊँगा आज पहले ही। और बाकी ये रास्ता बहुत ज़्यादा मज़े, एक सेकेंड यहाँ पे कुछ मिल गया है यहाँ पे, हाँ ये लोकेशन आ गया कोई, यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ था चिकन मोमोस, चिकन भाई वेज ही मिल जाए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मतलब पहाड़ों पे आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, और जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है रोड साइड और होटल्स का प्राइजेज ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो ये कोई दिल्ली या मुंबई नहीं है कि आपको पहाड़ों पे प्राइस कम मिल जाएगा या कहीं ऐसे, तो रोड आपको प्राइस बहुत जगह पे सेम ही मिलेगा, बाहर खड़े होकर खाओ अंदर बैठ के खाओ। और यहाँ पे ऐसी जगह ये थोड़ा स्टे भी लग रहा है, यहाँ पे स्टे भी है शायद होटल भी है, यस
बट लेकिन चलो ठीक है, हमें तो मोमोज चाहिए। और ये होती है ना बात, लेके रह लिया फाइनली, और वेज मोमोज ही कराए, बिकॉज चिकन बहुत ही रेयर मिलते हैं यहाँ पे, बट करवा लिए फाइनली चिकन मोमो, सॉरी वेज मोमोज और वेज सिंगापुरी नूडल्स, और मज़ा आ गया। अब इसको जाके हम खाएंगे। और ये होता है मतलब ना कि राइड पे भी निकला हूँ, राइड भी होगी मेरी, साथ में मैंने खाना भी ले लिया, और ये मैं करता रहता हूँ कभी कभार, बिकॉज काफ़ी चीज़ें हैं लाइफ में ऐसी जो आई थिंक सो नहीं बता पाते हम किसी को, तो मैं उन चीज़ों को कवर अप करने के लिए साइड बाय साइड अपनी ये सारी चीज़ें करता रहता हूँ, ताकि मैं अपने आप को एक दिलासा देता रहूँ। ये मेरी रियलिटी है, रेस्ट लोगों की मुझे नहीं पता कि वो लोग पहाड़ों पर क्यों जाते हैं। मैं तो इन्हीं चीज़ों की वजह से जाता हूँ कि अपना जो थोड़ा सा स्ट्रेस है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, उसको मैं पोस्टपोन कर सकूँ। ये मेरी थिंकिंग है पहाड़ों पर बैक टू बैक आने की। एंड आफ्टर दैट मुझे तो बड़ा मज़ा आया, आई होप आपको भी राइड देख के मज़ा आया होगा। और लोकेशंस आप बता दिया करें, मैं वहाँ पे ज़रूर जाया करूँगा। बस काफ़ी लोगों ने इस बार मुझे मनाली की लोकेशंस बताई थी, तो मैंने वो सारी चीज़ें कवर करी हैं। एंड टिल देन थैंक यू सो मच। एंड जिन जिन लोगों को आगे वीडियोस में काफ़ी सारी चीज़ें पता करनी हो किसी भी टॉपिक पे, वो मुझे बता सकते हैं। और अब मैं इस राइड को कंटिन्यू करते करते वापस पहुँच जाता हूँ अपने होटल, और खाता हूँ ये गर्मा गर्म खाना। टिल देन थैंक यू सो मच फैमिली।